इंदौर की ये है प्रियंका, जिन्होंने लाखों की भीड़ को पीछे छोड़ के अपने लिए एक नई मंजिल और एक नया मुकाम हासिल किया। इंदौर के सराफा बाजार में रात के 9 बजे से सुबह 2 बजे तक ये अपना पिज्जा और पास्ता काउंटर चलाती हैं। बीकॉम की पढ़ाई पास करने के बाद कुछ अपना करने की चाह इनके मन में जागरूक हुई और ये निकल पड़ी एक नई राह को तलाशने के लिए। आज इनका बहुत अमेजिंग ये सेटअप देख के आपका दिल, आपकी रूह भी बहुत खुश हो जाएगी। और लोग कहते हैं कि सराफा बाजार में इनके जैसा पिज्जा और पास्ता कोई नहीं बनाता। वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइफ में बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड और मोटिवेट हो जाएंगे। मैं सुबह उठते थे घर का काम करती हूँ, फिर दुकान का काम करना पड़ता है, फिर यहाँ आके दुकान तैयारी करना, फिर यहाँ से 3 बजे घर जाना, 4 बजे 4:30 बजे सोना होता है, फिर सुबह 10-12 बजे उठते हैं। पिज्जा में 35 तरह के, जिसमें से मैं 5-6 बोल रही हूँ। कॉर्न चीज़ है, वेजिटेबल डबल चीज़ है, तंदूरी चीज़ है, स्पेशल है, सेव चीज़ पिज्जा है, मसाला चीज़ मैगी, प्लेन मैगी, बटर मैगी, वेजिटेबल चीज़ मैगी, पास्ता में है व्हाइट पास्ता, रेड पास्ता, क्रीमी पास्ता, मिक्स पास्ता। सो भाई, खाने का काम करना कितना मुश्किल है ना, जरा यहाँ पे ये सेटअप देखिए कि ये अपने घर से यहाँ आती है, दुकान के बाहर पहले सारे सामान को सेट करती है, लगभग 4-5 चक्कर स्कूटी पे अपनी बहन के साथ लगाती हैं, और उसके बाद फिर जब सराफा में एंट्री का टाइम आता है 8:30 बजे, फिर यहाँ से सारा सामान उठा के ये इनके सिस्टर जाते हैं और फिर वहाँ पे दुकान को सेट करते हैं। ये मत सोचिए कि काम करना बहुत आसान है, टेबल लगाया, पास्ता बनाया, पिज्जा बनाया, हो गया, ऐसा सोचते रहो लोग। हाँ। कितना मुश्किल है जरा बताओ। बहुत मुश्किल है। और भाई इतना वजन है ना हर एक चीज का कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी देखियो, ये अभी देखिएगा, अभी ये पूरी कार्ट को खुद पुश करके लेके जाएंगी सराफा तक, उसके बाद सारा सामान खुद यहाँ से उठाएंगी और फिर जाके दुकान को सेटअप करेगी। सैल्यूट है आपको मेरा, आप जो काम कर रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो ना, ये सबसे बड़ी बात है। और ऐसा रोज करते हो आप? हाँ, डेली 365 दिन। और कितने साल हो गए ये करते हुए? मुझे 6 साल हो गए, और पानी का पहले मेरा 25 साल से था। अच्छा, टोटल पूरा 25 साल हो गए। अच्छा, तो मम्मी आपकी पानी का स्टॉल लगाती है? मम्मी मुझे 1 साल की लेके आई थी यहाँ पर। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। देखिए जी, इन्होंने अपना पैशन फॉलो किया, सारी चीजों को पीछे रखा और ये दिखा दिया कि ऐसा कोई काम नहीं है जो औरत नहीं कर सकती, सब काम कर सकती है। क्या बात है, लड़कों से कम नहीं होती, लड़कों से कम नहीं होती लड़कियां। तो ये देखिए जी, सारा जो सेटअप है इनको पहले करना पड़ता है सराफा में आने से पहले, सराफा में एंट्री लेने से पहले सारा सेटअप यहाँ पे ये दुकान पे करती हैं, और उसके बाद फिर यहाँ से सारा सेटअप लेके जाती हैं सराफा बाजार में। तो ये देखिए जी, जैसे ही बजते हैं घड़ी में 8:30, सराफा बाजार में सारी ज्वेलरी शॉप बंद होने के बाद यहाँ पे सज जाती है खाने की दुकानें, और खाने की दुकानें जब सजना शुरू होती है तो पूरी ये जो स्ट्रीट आप देख रहे हैं ना सराफा की, वो सिर्फ और सिर्फ खानों के स्टॉल से ही सजती है। अब जैसे देखिए, प्रियंका दीदी यहाँ पे पिछले 6 साल से लगा रही हैं खाने का स्टॉल, और ये बेचती हैं सबसे बेहतरीन इंदौर का पिज्ज़ा, पास्ता, मैगी और साथ में मोमोस ये बेचती हैं यहाँ पे, और सारा काम सिंगल हैंडेडली करती हैं। तो जनाब, अगर आपको इंस्पिरेशन लेना है ना किसी लेडी से, तो एक बार प्रियंका दीदी की तरफ नज़र डालिए, कितनी मेहनत कर रही हैं सिंगल हैंडेडली ये स्टॉल को जो है वो चलाती हैं, सिंगल हैंडेडली ये सारा खाना तैयार करती हैं, बहुत तेज़ी, बहुत सुपर ह्यूमन स्पीड में यहाँ पे ये काम करती है। और आज से नहीं, ना जाने कितने सालों से ये अकेली सिंगल हैंडेडली जो वुमेन है ना वो ये काम कर रही है, बहुत सारी वुमेन के लिए इंस्पिरेशन है और बहुत अच्छा लगता है ऐसी लेडीज़ को देख के। तो देखिए जी, दुकान इनकी यहाँ पे सेट होना शुरू हो चुकी है, और फ्रेश मेड टू ऑर्डर यहाँ पे जो पिज़्ज़ा के डो हैं, मैगी है, वो सब यहाँ पे इनको इस स्टॉल पे ला के ही सर्व किया जाता है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे। यहाँ पे 8:30 बजे जो दुकान है वो सेट होना शुरू हो जाती है, और एग्जैक्ट 8:35 पे ये साइकिल वाले अंकल आते हैं, इनको फ्रेश पिज़्ज़ा डोज देते हैं, के बाद जो जो भी रॉ मटेरियल इनको चाहिए होता है, जैसे सैंडविच के लिए ब्रेड इनको देते हैं। तो ये देखिए जी, कितनी मेहनत लगती है यहाँ पे स्टॉल को सेटअप करने में, कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। देखिए, हर एक चीज़ को बढ़िया परफेक्ट तरीके से यहाँ पे इस दुकान पे सजाया जा रहा है, चीज़ है, उसके अलावा सॉसेस हैं, उसके अलावा अलग अलग तरीके की पास्ता है जो ये सर्व करती है, हर चीज़ ये खुद अपने घर से तैयार करके लेके आती है, सारा मीज़ा घर से तैयार करती हैं, और उसके बाद यहाँ दुकान पे एक एक करके जैसे ऑर्डर आते रहते हैं ग्राहक के, कस्टमर्स के, फिर ये उसको बेचती हैं। तो गाइज, अगर आपको लगता है कि प्रियंका दीदी के स्टॉल पे आपको सिर्फ एक या दो तरीके के पिज़्ज़ास मिलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कितने तरीके के पिज़्ज़ास बनाते हो आप? 35 तरीके के। वेजिटेबल डबल चीज़ें, तंदूरी चीज़ें, शाही है, पनीर है, सब आ रही है, मेन्यू भी है। ये देखो भाई, 35 डिफरेंट तरीके के आपको यहाँ पे पिज़्ज़ा जो है वो सर्व किए जाते हैं, उसके अलावा सैंडविच कितने तरीके के जी?
35 तरीके के सैंडविच भी हैं। वाह, और मैगी भी लगभग मुझे लग रही है यहाँ पे 15-20 तरीके। क्या बात है, क्या बात है। तो भाई एवरीथिंग दैट शी इज डूइंग शी इज मेकिंग इट लार्ज। टोमेटो सॉस है, ये पिज्जा सॉस है, अच्छा नमक, ये चिली सॉस है, ये घर पे बनता है लहसुन का ठेसा जिसको बोलते हैं। लहसुन का ठेसा, ये किस तरीके से तैयार होता है? ये इसमें लहसुन लेता है, प्याज लेता है, हरी मिर्ची लेती है। अच्छा, और ये भी आप खुद तैयार करते हैं? क्या बात है। ये देखिए जी कितनी बढ़िया तरीके से, कितनी सुपर ह्यूमन स्पीड में यहाँ पे ये जो पिज़्ज़ा है उसको तैयार कर रही हैं। और देखिए लगभग लगभग 5 से 7 तरीके की अलग अलग सॉसेज यहाँ पे इन्होंने लगाई है। और ज़रा देखिए कितने स्टाइल से यहाँ पे इन सॉसेज को पिज़्ज़ा के ऊपर स्प्रेड किया जा रहा है। कौन सा पिज़्ज़ा बना रहे हैं आप? पनीर चीज़। पनीर चीज़, और ये कितने का है जी? ये 150 का है। तो ये देखिए जी यहाँ पे पनीर लगाया जा रहा है 6 इंची के पिज़्ज़ा के ऊपर। कितनी सारी मात्रा में ये जो पनीर है वो डालती है, फुली लोडेड यहाँ पे ये पिज़्ज़ा सर्व करती है। 150 रुपीज़ का पिज़्ज़ा है, लेकिन बहुत बढ़िया। अरे वाह, देखिए भाई क्या मतलब बिल्कुल गजब तरीके से पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है भाई। वर्ल्ड इज़ सो स्मॉल। मुझे अभी राजेश्वरी दीदी मिली है जो कि इधर प्रियंका दीदी की क्लासमेट है। कैसा लगता है आपको प्रियंका दीदी को काम करते हुए? अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है, कोई अपना इतना आगे पहुंच जाए। हाँ। हर कोई आ रहा है वीडियो लेने, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना, देश की सच्ची अन्नपूर्णा है। बेसिकली यस। तो जी मैंने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में पास्ता खूब खाया है, लेकिन इस तरीके से पास्ता बनाते हुए स्ट्रीट फूड पे पहली बार किसी को देख रहा हूँ, जो कि फ्रेश फ्रॉम स्क्रैच पहले सॉस तैयार करती हैं, उसके बाद उसके अंदर कॉर्न्स डालती हैं, फिर उसके बाद इसके अंदर पास्ता डालती हैं, फिर खूब सारा चीज़ डालती हैं, और फिर मसाले से इसको फिनिश करती हैं। 100 रुपये के अंदर इतना ज़्यादा लोडेड चीज़ वाला वाइट सॉस पास्ता शायद ही आपने कहीं खाया हो या आपको कहीं मिले। बहुत क्रीमी है, बहुत रिच है, और बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, खा के बताता हूँ भाई। कोई भी चीज़ अगर फ्रेश फ्रॉम स्क्रैच बनाई जाए ना, उसका स्वाद वैसे ही बहुत ज़्यादा निखर जाता है। और जब पास्ता इतने बेहतरीन तरीके से प्रियंका दीदी तैयार करें तो उसका स्वाद ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तभी शायद इतनी दीवानगी है इनके इस पास्ता की, और तभी सराफा में जो भी आते हैं, और जब पास्ता की बात होती है ना, हर कोई इनके पास आके इनका पास्ता और पिज़्ज़ा खाए बिना यहाँ से जाता नहीं है भाई। अगर आप शौकीन हैं स्ट्रीट फूड पास्ता के, एक बार इनके पास आइए, पास्ता खाइए, जिसके लिए आपको देने होंगे 100 रुपये, साथ में आपको इनकी स्माइल फ्री मिलेगी, इस बात की गारंटी है। आइए ज़रूर खाइए, इसके साथ साथ पिज़्ज़ा भी खाता हूँ और वो भी बताता हूँ आपको कैसा है। तो यहाँ देखिए जो मैगी तैयार हो रही है वो भी कोई ऑर्डिनरी मैगी नहीं तैयार कर रही है। यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल्स के साथ लिक्विड चीज़ का इस्तेमाल होता है इस मैगी के अंदर, और बहुत ही डिफरेंट मैगी है ये यहाँ पे। और जितना पसंद लोग यहाँ पे पास्ता और पिज़्ज़ा करते हैं, उतने ही पसंद इनकी ये मैगी भी करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जितनी भी रेसिपीज़ है ना, वो इनकी सेल्फ मेड है। हर जगह से सीख के, कुछ मम्मी से, कुछ वीडियोज़ देख देख के, कुछ यूट्यूब से सीख सीख के इन्होंने अपना ये काम शुरू किया आज से 6 साल पहले। और आज 150 से भी ज़्यादा मेन्यू में इनके आइटम्स हैं, और एक से बढ़कर एक है सारी डिशेस। जितना टेस्टी पास्ता था ना, आई एम श्योर उतना ही टेस्टी ये क्रंची पिज़्ज़ा होने वाला है। और बहुत ही सारी मात्रा में यहाँ पे जो पिज़्ज़ा को तैयार किया गया ना, उसके ऊपर सॉसेस की अलग अलग वैरायटीज लगाई गई, उसके बाद बहुत सारे मसालों का इस्तेमाल किया गया उसको देसी ट्विस्ट देने के लिए, उसके बाद इसके ऊपर ढेर सारी मात्रा में चीज़ डाला गया, और फिर इसको धीमी धीमी आँच पे अवन के अंदर क्रिस्पी और करारा किया गया। देखो नीचे से एकदम है खस्ता और ऊपर से एकदम है चीज़ी। आइए इसकी बाइट लेता हूँ और बताता हूँ कैसा इसका स्वाद है भाई। बिल्कुल देसी, नीचे से बिल्कुल खस्ता, ऊपर से चटपटा, और जो इन्होंने जरावन मसाले का इस्तेमाल किया ना, जो इंदौर के हर घर पे हर स्ट्रीट पे आपको मिलेगा, उसका जो स्वाद है ना वो बहुत ज़्यादा निखर के आ रहा है। इसलिए इनका जो देसी पिज़्ज़ा है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। और ज़रा इधर देखिए, इस भीड़ को देख के आप ये अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा फेमस इनका ये पिज़्ज़ा और पास्ता का स्टॉल होगा। तो कभी भी अगर आप सराफा बाज़ार आ रहे हैं, ज़रूर आइए इधर प्रियंका पिज़्ज़ा सेंटर पे, या किसी से भी पूछिए, कोई भी आपको गाइड कर देगा। इतना ज़्यादा पॉपुलर इनका स्टॉल है, और उतना ज़्यादा ही पॉपुलर प्रियंका दीदी का पास्ता और पिज़्ज़ा भी है। ज़रूर आइए, खाइए और बताइए आपको हमारी ये रिकमेंडेशन कैसी लगी। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई जगह पे, एक नए खाने की तलाश में। ज़बरदस्त पास्ता था और ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा है।
दीदी थैंक यू सो मच फॉर द एफर्ट्स एंड फॉर द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग। ये इंडिया गेट की तरफ से एक सर्टिफिकेट और ये 100 किलो चावल है जो आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। और आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा यार, इफ यू कम अक्रॉस एनी सच स्टोरीज जो कि हमारे देश की अन्नपूर्णा है, तो जरूर उनको हमारे साथ शेयर कीजिए। और जब शेयर करें तो #annapurnasofindia@indiagatefoods और @swadofficial को टैग करना बिल्कुल मत भूलिए। विल पिक द बेस्ट 3 स्टोरीज एंड विल अपलोड देयर एफर्ट्स। और आपको यही कहना चाहता हूँ, जो आप कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अपने चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रखिएगा क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। और ये जो आपका प्यार है ना, जो इतने लोगों का पेट भरता है, आई थिंक इसीलिए लोग आपके पास आते हैं। शी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। एंड गाइज, अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।